दोस्तों मेरा नाम सैफ और आप देख रहे हैं द मार्केट इंडिया। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द मार्केट इंडिया। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वेदांत के बारे में। जी हाँ, वेदांत के अंदर एक ऐसी भारी गिरावट है, 10% की गिरावट। जी हाँ, 10% स्टॉक गिरा है आज वेदांत काफी। और ये आज 10% गिरा है फ्राइडे को, और मैं आज सैटरडे में वीडियो बना रहा हूँ। बट इसकी जो अभी पिछले दिन भी है, दो तीन दिन से बहुत प्रेशर में है मेटल जो सारे ही, तो इसके अंदर अभी तीन दिन से ऐसी गिरावट का माहौल बना हुआ है। बट अभी जो मैं लेवल बताने वाला हूँ वो लेवल ऐसे हैं जो भयंकर आज की गिरावट संकेत रहे हैं कि और ज़्यादा नीचे जा सकता है स्टॉक। जी हाँ, तो आपको अब इसमें अलर्ट रहना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि अभी और ऊपर आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। हर टाइम ऐसा कभी नहीं होता कि आप सोचते हैं कि अभी ऊपर आएगा, अभी ऊपर आएगा, तो ऐसे में अच्छा है कि आप अपना सौदा काट सकते हैं। बट मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से इस वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसे लेवल दिखाने वाला हूँ और कहाँ पर आपको सपोर्ट की लेगा स्टॉक्स और कहाँ से इसमें तेजी बनने की संभावना है, वो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आज की डेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आज है 21 अगस्त 2021, यानी कि आज सैटरडे है और मैं वीडियो बना रहा हूँ मंडे के लिए, 23 अगस्त 2021 के लिए, यानी कि मंडे के लिए। तो चलिए आज की हम अपनी वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, तो दोस्तों अगर आपकी पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स है तो प्लीज़ ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ पॉइंट ऐसे बताने वाला हूँ जो आपको स्किप करने से नहीं मिलेंगे। क्योंकि कुछ लोग स्किप कर देते हैं वीडियो तो, और फिर बाद में कमेंट करते हैं कि हमने ये बताओ ये बताओ। पूरी वीडियो में पूरी हर चीज़ एक पॉइंट में वीडियो में बताता हूँ जो इसके स्टॉक से रिलेटेड। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है। तो चलिए आज के हमें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं चलता हूँ आपको लेकर इसके चार्ट पर, किस तरह का चार्ट पैटर्न बनता हुआ हमको यहाँ से नजर आ रहा है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर मैंने 6 मंथ का चार्ट प्रेजेंट किया हुआ है, और यहाँ से 6 मंथ में असल में बाद में बताऊं तो यहाँ से जून से मेटल स्टॉक में काफ़ी तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही थी हमें। जी हाँ, जून के महीने से ही हमको तेज़ी का रुझान ज़्यादा हमको दिखा यहाँ से, टू कंपेयर टू फरवरी मार्च के महीने से। तो क्योंकि अभी यहाँ से मैं फरवरी की बात करूँ तो फरवरी में इसकी प्राइसिंग थी कुल 200 रुपये के आसपास। जी हाँ, 200 रुपये के आसपास, 204 रुपये का, 204 रुपये से 200 रुपये के आसपास इसकी प्राइसिंग थी फरवरी 24 की बात करूँ तो। तो लगभग मार्च में ये साइडवेज ही रहा स्टॉक्स। 24 मार्च से अप्रैल तक की बात करूँ मैं, 8 अप्रैल तक तो स्टॉक्स में काफ़ी कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं। 216 के नीचे आया था स्टॉक, 210 रुपये के आसपास स्टॉक्स था अगर मैं फरवरी से अप्रैल तक की बात करूँ तो, या ज़्यादा यहाँ से मूवमेंट नहीं। बट अप्रैल के बाद से इसमें एक तेज़ी देखने को मिली हमें। अप्रैल से लेकर अप्रैल में इसका प्राइसिंग की बात करूँ, 210 रुपये के आसपास की प्राइसिंग थी अप्रैल में, अप्रैल 8 से लेकर और मई 10 तक, अप्रैल मई, तो एक महीने के अंदर स्टॉक 200 से सीधा यहाँ पर हो चुका था 288-290 रुपये के आसपास, 280 के आसपास स्टॉक्स हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। जैसे अभी मैं आपको बताऊँ तो यहाँ 280 रुपये के आसपास, तो लगभग 70 रुपये की तेज़ी आई है अब एक महीने के अंदर, तो काफ़ी ओवरसोल्ड ओवरबाय हो गया। अब यहाँ से ओवरबॉट होने के बाद स्टॉक्स यहाँ पर शार्प फॉल देखने को मिला, और इस फॉल आया 240 रुपये पर, यहाँ पर 240 से 242 रुपये के आसपास यहाँ पर स्टॉक्स आया। बट सपोर्ट इसने 252 रुपये पर ली, यहाँ से तेज़ी करने के बाद यहाँ पर 252 रुपये पर सपोर्ट ली, यहाँ से भी 252 के ऊपर से भी यहाँ से भी तेज़ी एक बार बनने को मिली। तो अब यहाँ से तेज़ी 252 के बाद से इसमें यहाँ से तेज़ी आई, स्टॉक्स भागा लगातार। जी हाँ, लगातार भागा 340 रुपये पर, 340-342 रुपये का हाई बनाकर उसी दिन से स्टॉक में। अब आपने जितना भी यहाँ पर मैं बताऊँ, यहाँ पर मई में, यहाँ मई 10 में यहाँ पर हाई बना 280 रुपये का, फिर यहाँ पर 252 रुपये का लो बना, 252 रुपये जून में बना, जून 14 को 252 रुपये का लो बना, और फिर इसमें जून से लेकर अब अगस्त तक इसमें तेज़ी, जून जुलाई और अगस्त, तो 1-2 महीने के अंदर स्टॉक्स यहाँ से देखिए किस तरीके से भागा है, 252, लगभग 100 रुपये की तेज़ी हमको, 90 रुपये की तेज़ी यहाँ पर फिर देखने को मिली। यहाँ पर 70 की मिली थी, अब के 90 की देखने को मिली। अब 90 से देखने के बाद अब यहाँ पर आपने जितना कमाया था इन 2 महीने में, आपने जितना कमाया था वो आपने 3 दिन के अंदर दे दिया। पॉइंट नोट जरूर कर ले, जितना भी आपने 2 महीने के अंदर यहाँ कमाया आपने 3 दिन के अंदर, एक ये सेलिंग प्रेशर, एक ये सेलिंग प्रेशर, और एक ये
कल का सेलिंग प्रेशर, तीन सेलिंग प्रेशर के अंदर ही आप पूरी तरीके से टूट चुके हैं। 40 और 30, 70 रुपये टूटा है 3 दिन के अंदर स्टॉक। जी हाँ, 70 रुपये 3 दिन के अंदर, और चढ़ा की तरह 2 महीने के अंदर ये 70 रुपये चढ़ा था, 90 रुपये चढ़ा था सॉरी। तो जितना आपने 2 महीने में कमाया वो आपका सब जाता हुआ नजर आ रहा है मुझे यहाँ से, अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है तो। अगर आप अब खरीदारी करने के लिए सोच रहे हैं तो वो भी आप सुन लीजिए। अभी इसका जो इसका स्टॉप लॉस अब मैं अगर आपके पोर्टफोलियो में, तो मैं अभी अभी आपको अलर्ट करूँगा। अभी इसका जो प्रेशर जो है वो अभी भी बना रहेगा, अभी इसका खतरा टला नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अभी जो मार्केट है वो ओवरबॉट है, आपको पता है लाइफ टाइम हाई पर है। तो मुझे ऐसा लगता है अभी और प्रेशर बनना बाकी है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपका इसमें पोजीशन बनी हुई है तो मैं आपको एक ही रिकमेंडेशन दूंगा कि अगर स्टॉक अब अपना स्टॉप लो जो है 252 पर ले आए। अगर 252 का लेवल टूटता है तो प्लीज़ आप एग्जिट कर लीजिए, वरना ये आपको लेवल पता है कहाँ दिखाएगा, ये लेवल देखने को मिलेगा आपको फिर 216 रुपये के लेवल। अगर ये 252 टूटा तो प्लीज़ अपनी रिस्क के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाएं, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके किस खरीदारी पर बाय है। तो मैं आपको थोड़ा सजेशन कर सकता हूं कि आपको अभी क्या करना चाहिए। तो अगर आपके ज़्यादा और ऊपर के बाय हैं तो मैं आपको जरूर सजेशन करूँ। तो प्लीज़ कमेंट में सेक्शन में आप बताइए कि आप किस लेवल पर बाय हैं, आपको प्रॉफिट में है या अभी लॉस में है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, तो प्लीज़ कमेंट में हमसे पूछिए, इसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तो दोस्तों, ये तो होगी आज के कारोबार की। तो जिसके अभी इसमें खरीदारी करने का मौका कहाँ बनना है वो भी आप सुन लीजिए। तो कुछ लोगों का मानना है कि अभी इस ओवर ऑलरेडी सेल हो चुका है इतना, तो अब इसमें खरीदारी कहाँ करें। तो मुझे ऐसा लगता है खरीदारी आपको 244 रुपये के लेवल पर, अगर ये 252 रुपये का लेवल टूट जाता है तो आपको यहाँ पर 240 रुपये के लेवल पर खरीदारी करने के चांसेस अच्छे बन रहे हैं। यहाँ से स्टॉक्स में मुझे ऐसा लगता है यहाँ से बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बाय यहाँ से आ सकता है। तो दोस्तों, अब आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, आप भी मुझे सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि आपकी गाइडलाइन भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। और आप भी बता सकते हैं क्या हम कहाँ की क्या जो मैं आप बता रहे हैं उस पर मैं आप उसका फोकस डालूंगा। तो अब मैं बात कर लेता हूँ इसमें खरीदारी कहाँ करनी है। 240 रुपये लेवल पर करनी है खरीदारी, सीधे सीधे सिंपल कट मैंने आपको बता दिया है। 255 के लेवल, अगर ये 252 का लेवल नेट होता है तो यहाँ पर भी 260 रुपये के आसपास भी आप खरीदारी कर सकते हैं। जी हाँ, अगर 252 के लिए लेवल नहीं टूटता है तो 255 रुपये के लेवल के आसपास भी खरीदारी कर सकते हैं। अगर ये टूटा 52 तो 240 रुपये स्ट्रॉन्ग बाय आपको मैं रिकमेंडेशन करता हूँ कि 240 रुपये लेवल पर खरीदारी आग बंद करके खरीदारी कर सकते हैं। तो ये तो कि बाय सेल की आपको पोजिशन क्या करना है। हेलो दोस्तों, तो अभी यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, देख सकते हैं वेदांता लिमिटेड पर। तो यहाँ पर मैंने NSE वेबसाइट पर यहाँ पर कारोबार की डिटेल जाने की, फ्राइडे को किस तरह कारोबार किया, 266.65 रुपये क्लोजिंग दिए, 29.25 रुपये की गिरावट के साथ लगभग स्टॉक 10% 9.89% गिरावट देने मिली, लगभग 10% स्टॉक गिरा है, और 295.90 रुपये के प्री क्लोज था, और 289 रुपये पर ये ओपन हुआ, और 289 रुपये इसका हाई बना। 266 रुपये पर स्टॉक्स ने यहाँ पर लो बनाया, और 269.25 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी। ट्रेड वॉल्यूम शेयर की बात करूँ तो 3,39,85,528 शेयर इसमें ट्रेड हुए हैं कल के ट्रेडिंग डे में। 52वीं हाई की बात करें तो 16 अगस्त को बना था। जी हाँ, इसी में 52वीं की हाई की बात करता था। 16 अगस्त से हाई बनने बाद 17, 18, 19, 20 चार दिन में आपका सारा पैसा जो आपने कमाया था 2 महीने के अंदर वो आपका जाता हुआ नजर आया। 52वीं लो रहा था 91.20 रुपये। अगर मैं इसके ट्रेड वॉल्यूम शेयर की बात करूँगा तो ट्रेड वॉल्यूम काफ़ी अच्छी उठाती हुई नजर आई है। 1,07,37,669 शेयर इसमें डिलीवर हुए हैं 20 अगस्त 2021 को। तो ये पोजिशनली यहाँ पर डिलीवरी उठाई गई है। अगर मैं ये डिलीवरी परसेंटेज वाइज कन्वर्ट करता हूँ तो 31.59% की डिलीवरी निकल कर आ रही है, लगभग 31.5% की डिलीवरी उठाई गई है फ्राइडे के दिन। तो दोस्तों, डिलीवरी जो है वो काफ़ी अच्छी उठाई गई है, और इसी स्टॉक्स में नहीं सारे मेटल लिस्टों में। तो कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ से रिकवरी आएगी, तेजी आएगी, बट मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर अभी और भी प्रेशर बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, ये थी द मार्केटिंग राय वेदांता लिमिटेड पर वीडियो। आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, बिल्कुल भी ना जाए। तो आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे, गुड बाय।